नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है ग्लोबल हेराल्ड डॉट न्यूज में। रंगपंचमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे इंदौर वासियों ने किस तरीके से रंगपंचमी का रंग भरा त्यौहार मनाया। रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर में किसी भी तरह की अप्रत्यय और अप्रिय घटना ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। उसी के साथ में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पारंपरिक गैर जो है वो निकाली गई। रंग पंचमी के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरे मार्ग पर नजरें बनाए हुए थी। कलेक्टर निशांत वरवड़े और DIG हरिनारायण चौरी मिश्र पूरे समय आयोजन पर लगातार निगाहें रखे हुए थे। सभी आला अधिकारी सहित लगभग 500 पुलिसकर्मी, 80 CCTV कैमरे लगाए हुए थे। साथ ही आसमान से भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगाहें रखी जा रही थी। इस दौरान हुड़दंगियों को इस रंगों भरी मस्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कमी का प्रयोग ना करें, जैसे चप्पल हवा में ना उछालें, गंदे कपड़े हवा में ना उछालें, सभ्यता से होली खेलें, रंग लगाएं, स्वाधीनता से दूसरे को रंग लगाएं। रंगपंचमी की धूम पूरे शहर में दिखाई दे रही है। अग्र मंच द्वारा भी फाग यात्रा निकाली गई, जिसमें जूनियर अमिताभ बच्चन और गोविंदा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। शहर के हृदय स्थल राजवाड़ी पर गैर की धूम रही। वहीं शहर के पश्चिमी क्षेत्र में भी संस्था अग्रमंच द्वारा फाग यात्रा निकाली गई, जिसमें अग्रवाल नगर के लोग, समाजजन, बच्चे मौजूद रहे और DJ की धुन पर नाचते नजर आए। यात्रा में मौजूद जूनियर अमिताभ बच्चन और गोविंदा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे, जो पूरे मंच पर लोगों का अभिवादन स्वीकारते रहे। रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर के स्वागत के लिए कांग्रेस नेत्रियों ने राजवाड़ा पर मंच लगाया था। पुलिस प्रशासन से इसकी परमिशन भी ली गई थी, परंतु प्रशासन द्वारा इसको हटा दिया गया, जिसके बाद काफ़ी हंगामेदार स्थिति वहां पर निर्मित हुई। राजवाड़ा पर निकलने वाली गैर का स्वागत करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेत्रियों द्वारा स्वागत मंच लगाया गया था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया और सामान भी जब्त कर लिया। सामान जब्त किए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल और निगम आयुक्त के बीच तीखी बहस भी हुई। आप
प्रॉब्लम है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि राजवाड़ा में खड़ा होने की। परसों परमिशन मिली, आप देखो परमिशन सामने है। और यहाँ हर साल हम लोग मंच लगाते हैं, फिर भी हमने क्लियर परमिशन ली। और मुझे मालूम था, अंदेशा था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जबकि हमारा वैश्य महिला सभा का बैनर लगा हुआ है ना, ना कांग्रेस का है ना भाजपा का, किसी का नहीं है। अब इनको यदि मंच पे पिछली बार कितनी ज्यादती हुई थी यहाँ पर रंगपंचमी में, आपको याद होगा महिलाओं के साथ, तो हम लोग ने सोचा एक ऐसा मंच हो जिस पर महिलाएं खड़ी हों, तो ये महिलाओं का मंच था। और आज आके पुलिस ने किस तरह बब्बरतापूर्ण हरकत करी महिलाओं के साथ, आप प्रत्यक्षदर्शी हो। कोई अग्रवाल समाज की है, कोई करणी सेना की, हाथ उठाते जाओ ना अपना, हर कोई के कोई, तो आप इस तरह से करा जैसे कि हम लोग गुंडा हैं। ये पुलिस प्रशासन शासन के रोब में या किसी किसके इशारे पे काम कर रहा है मुझे मालूम नहीं। यहाँ बजर बट्टू सम्मेलन कर सकते हैं, हर सम्मेलन कर सकते हैं, पर यदि महिलाएं राजवाड़ा पे यदि अपने ईमानदारी से खड़ी हैं बिना किसी चीज़ के, तो उनको कितनी तानाशाही रवैये से पुलिस ने आज काम करा है, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। मंगलवार को पूरा शहर रंगीन दिखाई दे रहा था, हर चेहरा एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने भी हर गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कई वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रंगपंचमी की, गैर की। इंदौर में रंगपंचमी की सालों पुरानी परंपरा गैर, नाम तो गैर है पर इस गैर में आने वाले हर व्यक्ति का हर कोई अपना है। यह इंदौर की ही संस्कृति है जो परायों को भी अपना कर देती है। रंगपंचमी पर इंदौर में निकलने वाली गैर में हजारों शहरवासियों ने शिरकत की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, पुरुष से लेकर महिलाओं तक, सभी नाचते और झूमते दिखाई दे रहे थे। वैसे तो पूरे शहर में रंगपंचमी की धूम रही, लेकिन इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर कुछ अलग ही रंग बिखरते नजर आ रहे थे। लगभग सालों से इंदौर में निकाली जा रही टॉरी कॉर्नर हिंद रक्षक संगठन की राधा कृष्ण फाग यात्रा नरसिंह बाजार मल्हारगंज खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़ा पहुंची। वहाँ हर किसी के चेहरे रंगीन तो थे ही, साथ ही एक मीठी मुस्कान भी बता रही थी कि यह इंदौर की ही सालों पुरानी परंपरा है जो इंदौर वासियों की एकजुटता का परिचय है। पूरा आसमान रंगीन दिखाई दे रहा था, मानो सुहानी मौसम में इंद्रधनुष आसमान को छोड़ राजबाड़ी पर आ गया हो। हर तरफ ढोल मजीरे और संगीत और डीजे की सुरीली धुनों पर थिरकते पांवों को कोई रोक नहीं पाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए globalherald.news।